सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पांच सात बड़ी बीमारियों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद शरीर में जो छोटी छोटी दूसरी समस्याएं होती हैं उनके संदर्भ में भी, जो हमने हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव किया, वो अनुभव आपके साथ बांटेंगे, जिससे कि आपके पास में भी हजारों लाखों लोग चिकित्सा के लिए आने वाले हैं। रोग की पीड़ा सबको बराबर होती है, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी देश का वासी हो। खैर, और रोग का ऐसा दुख है जिससे व्यक्ति तुरंत छूटना चाहता है। ऐसे तो हमारे कुछ मानसिक दुख भी होते हैं, जैसे हम आपस में जब प्रेम से नहीं रहते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। गृहस्थ में पति पत्नी यदि प्रेम से ना रहें तो बड़े दुखी होते हैं। माता पिता बच्चों के साथ में यदि ठीक से तालमेल नहीं होता है तो आपस में एक दूसरे के बर्ताव से बड़े दुखी रहते हैं। और हम अपने ही अंदर की समस्याओं से कई बार बड़े दुखी रहते हैं, अपने आलस से, प्रमाद से, अपने गलत स्वभाव से, अपने गलत व्यवहार से, अपनी गलत आदतों से। कितनी बड़ी बात है देखो, कि आदमी को पता है कि तंबाकू का निरंतर सेवन करने से पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल मरते हैं, तड़फ तड़फ करके मरते हैं, फिर भी आदमी उस तंबाकू को नहीं छोड़ता। ज्यादातर लोग बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं। ये तो कोई बड़े महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए और बहुत हिम्मत वाला कोई व्यक्ति हो तो छोड़ पाता है। मैं कह रहा था दुख तो दुख, क्या मौत सामने है तो भी आदमी से तंबाकू नहीं छूटता। पता है यदि आलस्य प्रमाद करेगा तो जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। सबको सम्मान चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐसे कोई आदमी की थोड़ी सी भी बेइज्जती कर दे ना तो आदमी जिंदगी भर उसको नहीं भूलता है। लेकिन इज्जत के लिए, सक्सेस के लिए, लाइफ में जिसके पास में समृद्धि नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, उसके जीवन में दरिद्रता, दुख, अपमान, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी व्यक्ति आलस्य को नहीं छोड़ता। पता है उसको कि आलस्य करेगा तो तुझे जीवन में कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है, तुझे जीवन में कभी सफलता मिलने वाली नहीं है, कामयाबी नहीं मिलने वाली। और जीवन में दरिद्रता के सिवा, अंधेरे के सिवा, असफलता के सिवा कुछ नहीं होगा, फिर भी आदमी आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पता है गलत स्वभाव से बहुत दुख होता है, फिर भी अपने गलत स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा था चाहे आदमी अपना गलत स्वभाव बदले या ना बदले, चाहे वो अपने दुर्व्यसन छोड़े या ना छोड़े, लेकिन बीमारी से जरूर मुक्त होना चाहता है।
कितना ही समझदार हो और कितना ही ना समझ हो, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रमाद करते हैं। जैसे जिसको पता लग जाए कि ब्लड प्रेशर है और भाई बढ़ गया तो पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जीवन भी समाप्त हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर के लिए औषधि जरूर लेगा। कोई भी व्यक्ति रोगी होकर के नहीं जीना चाहता, और किसी रोगी को आरोग्य देना यह बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि रोगों से ना जिंदगी ठहर सी जाती है। रोगों से जो हानियां होती हैं वो तीन बड़ी हानि होती है, एक तो स्वयं को पीड़ा होती है, एक अपने परिजनों को बहुत पीड़ा होती है। मैं रोगी क्यों नहीं होना चाहता, तो मैं तीन बात कहता हूं। मैं रोगी इसलिए नहीं होना चाहता कि इससे एक तो मैं खुद दुखी होता हूं, दूसरा यह है कि यदि मैं रोगी होता हूं तो मुझसे प्रेम करने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, वो दुखी होंगे। और तीसरा, मैं रोगी इसलिए नहीं होना चाहता, मैं रोगी हो गया तो मेरी प्रोडक्टिविटी, आज जो मैं हजार काम कर रहा हूं तो फिर एक काम भी नहीं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, डिविनिटी मेरी खत्म हो जाएगी। तीन हानि होती है बड़ी। वायु रोग से यदि पीड़ितों की संख्या देखी जाए तो करीब करीब 25 को छोड़कर के सभी पीड़ित हैं। माने हिंदुस्तान में वात रोग देखा जाए तो करीब 100 करोड़ लोगों की समस्या है, करीब 25-30 करोड़ लोग जिसमें बच्चे हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा जवान हैं उनको छोड़ दीजिए। आजकल तो जवानों को भी सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन होने लग गया है। जैसे ही कॉलेज से पढ़ाई करके निकलते हैं और किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और वहां बैठ करके जैसे उनसे 10-10, 12-12 घंटा काम लेते हैं, आजकल जितनी भी MNCs हैं या और भी दूसरे कॉरपोरेट हाउस हैं 8-12 घंटा काम लेते हैं और कुछ ओवर टाइम भी करते हैं ज़्यादा कमाने के लिए, और थोड़े दिनों में सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस हो जाता है। क्यों? ना तो कोई एक्सरसाइज करते, ना प्राणायाम करते, ना आसन करते, ना व्यायाम ठीक से करते, बस काम बहुत ज़्यादा करते हैं, कोका कोला पेप्सी पीते हैं, बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं, और न सोने का कोई समय है, न जागने का कोई समय है, और मन में भी बहुत विकार भरे रहते हैं। उत्तेजना से शरीर का ओज का क्षय होता है, और ज्यादा भोग वासना से भी शारीरिक क्षमताओं का बहुत ह्रास होता है। तो सबसे पहले ये जो वात रोग हैं और शरीर में जो दर्द है उनके बारे में बात करते हैं। दर्दों के लिए सबसे अच्छी 5 चीजें हैं। घृत कुमारी सबसे पहले नाम है उसमें, दूसरा निर्गुंडी, तीसरा पारिजात, चौथा गिलोय, और पांचवा अपना आश्रम का एक क्वाथ आता है उसमें सारी वातनाशक औषधियां हैं, पीड़ांतक क्वाथ। अब उपचार की दृष्टि से मैं कहूं तो 99% वात रोग मात्र इन 5 चीजों का रस पीने से दूर हो जाएगी। फिर आप कहेंगे बाकी जो औषधीय उपचार है, चंद्र प्रभाव टी है, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, त्रिदशांग गुगुल, कैशोर गुगुल, फिर महावात विध्वंसन रस, एकांग वीर रस, बृहतवात, चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र रस, और फिर अलग अलग प्रकार के और चूर्ण, फिर ये सब एक तरफ, माने सैकड़ों प्रकार की वटियां हो सकती है, सैकड़ों प्रकार की चूर्ण हो सकते हैं वात रोगों के लिए, रस रसायन हो सकते हैं 15-20 तरह के। और ये मैं इसको इसलिए अधिक महिमा दे रहा हूं, गौरव दे रहा हूं कि ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव बता रहा हूं। यदि आपके पास कोई रोगी आता है, अब आपके पास 3 तरह के रोगी आते हैं, एक अति धनवान, धनवान रोगों को भी खूब रोग होते हैं, एक होते हैं मिडिल क्लास,
और एक होते हैं गरीब लोग। तो आपके पास में कोई गरीब आदमी आया तो उसको 1500 रुपए की दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। कोई गरीब आदमी आया तो आप उसको बोले भाई देखो तुम्हारे यदि घर में घृत कुमारी है, ग्वार पाठा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं अपने आस पड़ोस से कहीं ला करके अपने घर में लगा लो, रोज उसका गुद्दा निकालो और उसको पियो घृत कुमारी। पारिजात का पौधा लगभग लगभग घरों में लोग आजकल लगाने लग गए, उसको शुभ मानते हैं वास्तुवादी की दृष्टि से। गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा लगाते हैं, उत्तर भारत में भी काफी लोग लगाने लग गए पारिजात। और निर्गुंडी के पत्ते तो पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, और निर्गुंडी को एक छोटा सा कोई झाड़ लाके गमले में लगा के अपने चाहे उसमें केबन में सजा के रखो निर्गुंडी, पारिजात, घृत कुमारी, नागदोन, तुलसी, ऐसे 5-7 पौधे तो ना गमलों में लगा के यदि कहीं वैद्य को जहां जैसे अपने पतंजलि मेगा स्टोर से वहां तो थोड़ी बड़ी जगह मिल जाती है, तो वहां तो ऐसे छोटे छोटे गमलों में भी इन चीजों को लगाया जा सकता है। नहीं तो इनके चित्र निकाल करके रखो, थोड़ा समझा दो, पता लग जाता है कुछ देखने से वैसे लोगों को। तो हम प्रयास करेंगे कि जो है निर्गुंडी के पत्र जो है वो पैकिंग में हम उपलब्ध करा दें, बड़ा अच्छा लाभ करते हैं। घृत कुमारी, निर्गुंडी, निर्गुंडी के करीब एक दो चम्मच पत्ते, पारिजात के भी ऐसे हार श्रृंगार के एक दो चम्मच पत्ते, और गिलोय करीब इतनी डंडी, अंगुली जितनी मोटी हो करीब, तो करीब ये आधे हाथ से लेकर के पूरे हाथ जितनी लंबी डंडी ली जा सकती है, और उसको कूट करके सबसे अच्छा होता है इसको रात भर पानी में भिगो दो, सुबह पकाओ, सुबह भिगो दो, शाम को इसको पकाओ, तो भिगोने से उसके पूरे गुण पानी के अंदर आ जाते हैं। फिर जो है उसको और पका लेते हैं तो उसके अंदर भी जो शेष रह जाते हैं जो घुलनशील नहीं होते पानी के अंदर, तो पकाने से वो भी उसके गुण घुल करके पानी में आ जाते हैं। और पीड़ांतकवाद, मान लीजिए किसी को अभी निर्गुंडी नहीं मिल पाई तो बोले पीड़ांतकवाद ही दो चम्मच डाल लेना, उसमें निर्गुंडी है, उसके अंदर पारिजात भी है, तो गिलोय का काढ़ा तो अपने यहां से मिलता ही है, तो आप उसको बोलिए घृत कुमारी, गिलोय यदि आपको ताजी नहीं मिल पाती है तो गिलोय भी ले लो अपने आश्रम की बनी हुई, घृत कुमारी यदि उसको घर में नहीं मिलता तो आश्रम का ले लेगा, यदि कोई घर में इनका बना करके प्रयोग कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको बोलो ये आश्रम का बना हुआ ले लो, गिलोय का काढ़ा ले लो, पीड़ांतकवाथ ले लो और घृत कुमारी, ये तीन चीजें मिल जाएंगी, 3 या 5, तीन चीजों का या 5 चीजों का एक काढ़ा बना करके सुबह शाम पिला दो उसको, ज्यादा है तो बोले 3 बार पी लो चाहे, और गरीब आदमी है तो खाली उसको एक ही औषधि बताओ, वातारी चूर्ण, वातारी चूर्ण में सब है जो वात रोगों के लिए आवश्यक है, और किसी की वातारी चूर्ण खरीदने की भी हैसियत ना हो तो बोले घर में हल्दी मेथी सौंठ तो होता है, तो बोले अपने घर में ही पाउडर कर लो, हल्दी मेथी सौंठ पाउडर कर करके और उसको खाओ, और कपाल भाती करो। वात रोग प्राणायाम, प्राण माने वात, वात को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ भी नहीं है, चाहे ऑस्टियोपेनिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, अर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, गाउट हो, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है तो प्राणायाम से तुरंत नियंत्रित होता है, एकदम से लाभ होता है। वात विकार के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ नहीं, कफ के लिए भी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्राणायाम का सीधा असर होता है, और पित्त विकार का भी सीधा संबंध पाचन तंत्र से होता है, प्राणायाम से पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है। प्राणायाम करा दो और आसनों में खाली मुंडू का आसन करवा दो तो पेट के सारे रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इसलिए प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, और औषधियों में गिलोय त्रिदोष नाशक है, औषधियों में
गिलोय त्रिदोषनाशक है। इसलिए जो प्राणायाम करता है और गिलोय का सेवन करता है वो 100 साल तक बीमारी नहीं होता है, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता है। सबसे बड़ी कोई बीमारी होती है आम जिंदगी में, चाहे कोई विद्वान हो अविद्वान हो, योग, चाहे आप वैद्य भी क्यों ना हो, आप भी सावधानी नहीं बरतोगे तो साल में एक से दो बार आपको प्रतिष्ठाय जुकाम बोलते हैं, प्रतिष्ठाय सर्दी जुकाम काफ नजला अथवा हल्का सा फीवर, ये तो हो ही जाता है साल में एक दो बार लोगों को, क्योंकि एक से दूसरी ऋतु में जैसे प्रवेश करते हैं तो उस ऋतु के संचित दोष निकलते हैं। ये खराब भी नहीं है। यदि किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज योग नहीं करता है और गिलोय आदि औषधियों का सेवन नहीं करता है और उसको सर्दी जुकाम नहीं होता, तो इसका मतलब गड़बड़ है। यदि कोई व्यक्ति रोज योग नहीं करता और गिलोय आदि औषधियों का सेवन नहीं करता है तो उसको सर्दी जुकाम होना ही चाहिए। क्यों? सर्दी जुकाम आदि होने से वो शरीर के कफ आदि विकार बाहर निकल जाते हैं, तो वो दबाने की चीज नहीं है। यदि कोई योग करता है और गिलोय आदि औषधियों का सेवन करता है तो उसका दोष प्रकोपित ही नहीं होगा, तो उसको जुकाम होने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि कोई योगाभ्यास आदि नहीं करता और गिलोय आदि औषधियों का सेवन नहीं करता है तो उसको जुकाम आदि होना ही चाहिए, नहीं तो उसके अंदर वो विकार इकट्ठे होते रहेंगे और कभी ना कभी फिर वो उसको टीबी या कैंसर या SLMS ऑटोमेन डिजीज या किसी और भयंकर रूप में उसके सामने आ सकते हैं। इसलिए ये दोनों बातें भी मैंने इसलिए बताई हैं, कुछ लोग सर्दी जुकाम आदि से परेशान हो जाते हैं, दो ही चीजें हैं, या तो हाँ जो नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे और गिलोय का निरंतर सेवन करेंगे उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होता, ऐसा 5-5, 10-10, 20-20 सालों का लोगों का अनुभव है हमारा अनुभव। तो गिलोय को मैंने त्रिदोषनाशक कहा, फिर वापस कह रहा हूं 5 औषधियां क्या है अब देखिए, मैं तो ऐसे बताइए, घृत कुमारी, तो घृत कुमारी, निर्गुंडी, पारिजात, गिलोय, पीडांतक, 5 में से 3 भी मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा, 3 तो सभी को मिल ही जाएंगे। जो अभी जो है निर्गुंडी और पारिजात के पत्र उपलब्ध कराना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कहीं खेती आदि नहीं होती और कहीं जंगल में भी एक साथ नहीं मिलता है, ऐसे तो मिल जाते हैं थोड़े पत्ते, तो वो पीडांतक वाद से काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, जिनको घरों में मिल जाते हैं तो घरों में बहुत उपलब्ध है, कुछ जगह ज्यादा उपलब्ध है, कहीं कम उपलब्ध है। गिलोय सबको मिल जाएगा, पीडांतकवाद सबको मिल जाएगा और घृत कुमारी, इन 3 से भी वात रोग पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। और ये मैं सामान्य वात रोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिनके सारे शरीर की एक एक संधि में दर्द होता है, वो वात रोग भी दूर हो जाता है मात्र इन 3 से 5 औषधियों के सेवन से। लहसुन खाली पेट सुबह खा सकते हैं, लहसुन तो सबसे अच्छा होता ही है वात रोगों के लिए। लहसुन को तो बहुत बड़ी औषध माना गया है आयुर्वेद में, सारे रस इसके अंदर होते हैं और खाली वात रोगों के लिए नहीं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। लहसुन को पका के खाने से, छोंक करके खाने से इनके इसके गुण काफ़ी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे इसको चबा के खाने से इसका दांत में तेल लगता है तो उससे दांतों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके निगल जाओ, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी लो, वो ठीक है। किसी को पित्त की प्रकृति हो तो इससे गर्मी लगती है, थोड़ा एसिडिटी भी किसी को बढ़ सकती है, तो वो इसको लहसुन को ऐसे चीरा मार दो और थोड़ा इसको पानी में भिगो दो तो उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है और उसके गुण पूरे मिल जाते हैं। तो किसी को पित्त की प्रकृति हो और लहसुन खाने से किसी को एसिडिटी बढ़ती हो तो फिर इसको
टुकड़े कर दें, दो या तीन टुकड़े कर दें, बीच में से एक चीरा मार दें और पानी में भिगो दें, रात को सुबह फिर निगल खाली पेट निकल जाए इसको। तो खाली पेट लेने से क्यों ज़्यादा फायदा होता है? मैंने बताया था, चाहे लहसुन हो, चाहे कोई भस्म हो, चाहे आंवला एलोवेरा आदि का जूस हो, खाली पेट लेने से वो औषधि सीधी किस में घुल जाती है? सीधी की सीधी रक्त में घुल जाती है और तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है। खाने के बाद जब कोई औषधि लेते हैं तो खाने के साथ धीरे धीरे 5-6 घंटे में वो औषधि डाइजेस्ट होती है और तब उसका असर होता है शरीर के ऊपर, तो वो डाइल्यूट हो जाती है। खाने के बाद कोई औषधि लेते हैं तो डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन कुछ औषधियों का डाइल्यूट होना भी जरूरी है। जैसे गुग्गल आदि औषधियाँ कोई भी लेते हैं जो थोड़ी उष्ण औषधियाँ हैं या कुछ चूर्ण आदि हैं तो वो खाने के बाद ही लेते हैं। बहुत सारे चूर्ण, बहुत सारी वटियाँ वो खाने के बाद ही लेते हैं। लेकिन जिसका तीव्र प्रभाव देखना हो तो इसलिए रस जो है सबसे अच्छा होता है ताज़ा जड़ी बूटियों का रस। वो ना मिल पाए तो क्वाथ, फिर चूर्ण, फिर वटी, इस तरह से आयुर्वेद में आपको पढ़ाया भी जाता है और ये यथार्थ भी है। तो सबसे उत्तम ये घृतकुमारी। घृतकुमारी तो वात रोग भी दूर करता है, एसिडिटी का दुश्मन है। किसी को कोई औषधि से लाभ ना हो रहा हो, कई बार अविपत्ति कर चूर्ण से भी किसी किसी को विपत्ति हो जाती है। अविपत्ति कर, अविपत्ति कर माने विपत्ति को हरने वाला। सबसे बड़ी विपत्ति तो ये तो नहीं होती खाना खाती एसिडिटी हो जाए, तो बहुत बड़ी विपत्ति होती है। अविपत्ति कर चूर्ण में जो है लौंग आदि हो भी किसी किसी को एसिडिटी कर देते। अब देखो ऐसे तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम और मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम मिला करके दो कैसी एसिडिटी हो, 99% लोगों को लाभ होता है। लेकिन 1% लोगों को अविपत्ति कर चूर्ण से भी एसिडिटी हो जाती है। लेकिन घृतकुमारी 100% एसिडिटी को दूर कर देता है। किसी किसी को तो इतनी एसिडिटी होती है खाना खाते ही, पानी पीते ही, पानी पीते हैं तो भी उनको वोमिटिंग जैसा होता है, इतनी एसिडिटी होती है। खाना खाते ही तुरंत फिर उनको जो है मुंह में खाना आने लगता है, बहुत बुरी हालत है। तो उनको बोलो खाना खाने से पहले 15-20 मिनट पहले बोले आप पहले एलोवेरा का जूस पियो, बाद में खाना खाओ, ऐसे वो मुंह में खाना नहीं आएगा। नहीं तो किसी को तो खाने के बाद ही तुरंत उल्टी हंसी होनी शुरू हो जाती है, इतनी हालत खराब होती है। ऐसे लोगों को भी अब किसी किसी को जो है ये बोतल वाला जूस भी अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसको बोले ताजा पी लो। कुछ हजारों में से कुछ लोगों को हो सकता है, 0.1% ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बोतल वाला जूस भी अनुकूल ना पड़े, तो क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा तो व्यवस्था करनी ही पड़ती है। तो अब इसमें मैंने देखा सबसे ज्यादा अनुकूल पड़ता है फाइबर वाला जूस, लेकिन किसी किसी की प्रकृति बड़ी विचित्र होती है, उसको फाइबर बोले वो मुंह में थोड़े फाइबर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो बिना फाइबर वाला भी है, फाइबर वाला सबसे अच्छा है। अब किसी किसी को ऐसे तो एलोवेरा का कड़वा टेस्ट नहीं होता है इस, क्योंकि एलोवेरा के पत्ते को काट करके उसको उल्टा करके रख देते हैं, फिर उसका जो पीला वाला भाग है, पीला जो रस है उसका, वो निकल जाता है, फिर उसका जूस निकालते हैं तो वो फिर उसमें कड़वापन नहीं होता है। और वैसे भी कि कोई भी एलोवेरा पिए तो बोले उसको जो एलोवेरा का जूस निकालना है तो एलोवेरा के पत्ते को पहले करीब 2-1 घंटा उल्टा लटका करके उल्टा ऐसे रख दे, एलोवेरा को काटा और फिर उसको उल्टा रख दिया तो उसमें से वो पीला पीला अपने आप ही रस निकल जाता है। काटते ही तो तुरंत निकलता है, ऐसे कहीं कपड़े पर लग जाए तो एकदम पीला कर देता है, उससे जो है वोमिटिंग जैसा होने लगता है। खैर घृतकुमारी पित्त रोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ ये औषधि है। घृतकुमारी जो है वात रोगों के लिए सबसे अच्छी औषधि है। कफ रोगों में कोई विशेष लाभ घृतकुमारी का नहीं होता है, लेकिन कमजोरी आदि में विशेष लाभ होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अच्छा मैं घृतकुमारी के ऊपर थोड़ा सा और बोल देता हूँ, क्योंकि ये
जैसे किसी किसी की ना चमड़ी बड़ी रूखी सूखी होती है और किसी किसी की चमड़ी से टाइट होने लगती है, खास करके माताओं बहनों का जो मेनोपोज का समय होता है ना, जिस समय पीरियड बंद होने का टाइम होता है उस समय पूरी चमड़ी खींचने लगती है, चेहरे की चमड़ी भी खींचने लगती है और पाचन तंत्र पर भी को प्रभाव पड़ता है। किसी किसी की स्किन बहुत टाइट हो जाती है, बहुत तरह की हॉट फ्लैशेस आदि होते हैं। तो घृत कुमारी पीने से चमड़ी भी एकदम ठीक हो जाती है। रूखी चमड़ी, देखो रूखी चमड़ी हो चाहे रिंकल्स पिंपल्स हो चाहे उसका मॉइस्चराइजिंग जो है कम हो, सब अवस्थाओं में। बहुत ज्यादा किसी की ऑयली स्किन है तो फिर तो कांति लेप लगा देना उसको ऑयली स्किन के लिए, तो बाकी के लिए ये एलोवेरा का जेल सबसे बेहतर है, मॉइस्चराइजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, पिंपल्स के लिए और बहुत ज्यादा चमड़े में खुरदरापन है, किसी भी तरह की कोई समस्या है। अभी हमने एलोवेरा जेल तो पहले उपलब्ध कराते ही थे, एलोवेरा जेल में अभी एक नया हमने ये उपलब्ध कराया है, ये केसर के साथ। पहले हरा वाला तो नॉर्मल होता ही था, ये केसर वाला जेल भी अभी। वैसे तो केसर जो है, केसर और हल्दी ये स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हल्दी का तो उपटन के रूप में हल्दी और थोड़ा सा इसका चने का आटा मिला करके और उसमें गांव में उपटन पहले तो शादी से पहले बहुत किया करते थे जो है, बाकी समय करे या ना करे, वैसे भी शादी करने को पीले हाथ करना ही बोलते थे। तो उससे मैंने ये एलोवेरा जेल तो अच्छा है ही है, इसमें केसर को ही डाला गया है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये केसर का ही कलर है पूरा। तो हमने दो तीन तरह से प्रयोग किया, करीब साल भर तक हमने इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। तो हमने केसर इसमें पूरा ऐसे ही उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े भी करके डालने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि सबसे अच्छा यही है। तो उसको एकदम बिल्कुल बारीक करके और उसको इसमें घोल ही दिया, नहीं तो फिर क्या होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके डालो तो देखने में तो अच्छा लगता है, लाभ भी उसका पूरा नहीं मिल पाता है और थोड़े दिन के बाद में उनका कलर फेड हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कोई नकली केसर डाली हुई है। यदि असली भी डाले तो थोड़े दिन में उसका कलर फेड हो जाएगा, क्योंकि इसके इसके अंदर जो है जलियांश तो होता ही है। तो हमने इसके अंदर उसको पूरा मिला दिया, ये इतना अच्छा है और इसकी सुगंध इतनी अच्छी है।